लिए बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। तो मैंने उसके लिए पास्ता को बॉईल करने के लिए दे दिया है। 5 मिनट बाद बॉईल करने के बाद वो बॉईल हो चुका है, तब तक हम पैन में बटर मैंने डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है और उसके बाद मैं इसको लगातार चलाऊंगी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालने के बाद इसको अच्छा से हम भूंज लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इसमें दूध डालूंगी और लगातार चलाऊंगी ताकि इसमें लम्स ना रहे। बस इस तरह से लगातार चलाते रहना है। उसके बाद जब मेरा ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद मैंने जो बॉयल किया हुआ पास्ता रखा हुआ है साइड में, वो मैं इसमें डाल दूंगी। उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक पहले डाल देती हूँ, थोड़ी सी चीज़ डाल देती हूँ और चीज़ के मैंने आधा स्लाइस इसमें डाला है ताकि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अभी अच्छे से स्टर हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब चलिए मैं अपना बॉयल किया हुआ पास्ता इसमें डाल देती हूँ। बस इस तरह से मैं पास्ता अपना डाल ले रही हूँ, जितने भी पास्ता मेरे पास बॉयल थे। अब पास्ता डालने के बाद इसको लगातार हम चलाते ही रहेंगे। इसका हमें दूध जो है ये गाढ़ा हो चुका है, ये अब्जॉर्ब कर लेगा ये पास्ता। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा इसको मैं अच्छे से इसको अब्जॉर्ब करवा देती हूँ। अब इसके बाद ये अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे जितने भी फ्लेक है आपके पास वो सब हम डाल देंगे। मेरे पास आई थिंक मेरे पास क्या है, मेरे पास चिली फ्लेक है, मेरे पास ऑर्गेनो है, तो वो मैं डाल देती हूँ जितने भी मेरे पास सीजनिंग है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप वो भी डाल सकते हो, नो वरीज। सो मैं इसमें चिली फ्लेक और ये डाल के बस गाढ़ा सा बन गया मेरा पास्ता। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही जल्दी बनता है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इंस्टेंट